माननीय डॉक्टर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और आपकी बड़े पूजे चलो पीछे 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 अंदर रहो। अभी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं श्री राहुल लाल जी कट्टा उन्हें क्यों बनाया धन्यवाद साइड में हो जाओ ना चलो चलो जगह नहीं मिल रही नहीं नहीं हाँ बंदी रोहित प्लीज धक्का मुक्की नहीं धक्का मुक्की नहीं आराम से चलते रहो भाई चलते रहो चलते रहो शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया जसवंत जी कबड्डी कोच रिटायर हो चुके हैं जी और जल्दी कर रहे हो मैं तो खरंजे जी हमारे कोच हैं जल्दी कराओ जल्दी ग्रुप फोटो बैठो आगे बैठो हरियाणा और खेल ये अपने आप में शब्द भरे दो है लेकिन एक ही पहचान है हरियाणा की पहचान हमारे जवान से है धाकड़ जवान हमारे किसान से है धाकड़ किसान और हमारे पहलवान से है धाकड़ पहलवान ये खेल के नाते सब देश और दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं लेकिन जहां हम हैं इसमें और आगे कैसे बढ़े इसमें हरियाणा सरकार अपनी भूमिका निभा रही है हमने बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर चाहे वो स्टेडियम हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम हो अथवा गांव लेवल के हो हमारी खेल नर्सरियां हो हमारे खेल नर्सरियों में अभी 1100 नर्सरी उसमें 400 और बढ़ा करके हम 1500 कर रहे हैं इसी प्रकार हमारे जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ी की भर्तियों की बात हमने उनको रिजर्वेशन दे करके और चाहे वो ग्रुप डी की है सी की है बी और ए सब में योग्यता के हिसाब से उनको भर्तियां कर रहे हैं 550 ग्रुप ए बी सी के हमने नए पद सृजित किए हैं और जिसमें 223 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा सकी है ग्रुप डी का रिजल्ट अभी आने वाला है जितने भी संख्या है अर्थात जो 13,000 हमारे जो ग्रुप डी की भर्तियां होने वाली है उसमें 1300 जिनके पास खेल का और सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन सर्टिफिकेट के आधार पर 1300 खिलाड़ियों को भी 10% के हिसाब से उनको नौकरी दी जाएगी नल पुरस्कार के नाते भी हरियाणा देश और दुनिया में सबसे ज्यादा पुरस्कार दे रहा है हमारी जो राशि की जो सीमा है बड़ी से बड़ी जो राशि की सीमा ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडलिस्ट को हम 6 करोड़ रुपया देते हैं देश और दुनिया में कहीं 6 करोड़ नहीं है इसलिए मित्रों उसी हिसाब से आगे बढ़े।